चलो चलो चलो। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए, खैर से हो गए। तो गाइस आज होने वाला है फैमिली व्लॉग, आपको पता ही। और भाई मेरे भाई घर गए थे घूमने 8 दिन, तो इसकी बहुत याद आ रही थी। हमने डाली थी अपनी गाड़ी जम का सर्विस के लिए, तो पहले उसको लाते हैं। बहुत तेज हो रहे हो बेटे। तो गाड़ी को डाला था जमकश, उसकी सर्विसिंग करवानी थी। और लास्ट टाइम आपको पता है उस पर कुछ थोड़े से स्क्रेच लगे थे, वो भी ठीक करवाने थे। तो उन्होंने कॉल किया, बोला कि आ जाओ गाड़ी ले जाओ। तो पहले वहाँ जाते हैं, गाड़ी को लाते हैं, उसके बाद देखते आगे का प्रोसेस। तो वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हम 200 के बहुत नजदीक है। तो दोस्तों मैं स्कूटी साथ लेता, लेकिन वहाँ से मुझे गाड़ी लानी है। इसको कौन लाएगा वहाँ से, अब इसको बोलता, लेकिन ये तो स्कूटी जितना है ही नहीं। भरोसा मैं लाऊंगा, अरे जैसे वैसे मैं लाऊंगा। क्या भरोसा करूं, जरा तेरी तो टांगे भी नहीं पहुंचती है जरा। तो दोस्तों ये देखिए, बोल रहा है मैं वहां से खुद लाऊंगा स्कूटी। चल अब चल, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तेरे पे भरोसा आएगा मुझे, लेकिन अभी नहीं। तो दोस्तों हम सड़क पे गाड़ी का वेट कर रहे थे, उतने में ही वहाँ से फ्रेंड आया बाइक लेकर। तो उसने पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने बोला हमें जाना है नारबल जमकश तक। तो उसने बोला कोई मसला नहीं, मैं वहाँ तक ड्रॉप करता हूँ। तो नारबल जमकश हम पहुँच गए, यहाँ से गाड़ी को लेते जल्दी से, ठंड बहुत ज़्यादा लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाडो रानी मिल गई। अभी मैं आपको दिखाऊँगा लास्ट टाइम कहाँ पर इसको स्क्रेच आए थे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हो गया था, ये इसकी जो गैप थी वो बढ़ गई थी, उन्होंने वो ठीक करके दिया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे, ये भी नेक्स्ट टाइम ठीक करवाएंगे। मैंने पेंट वेंट नहीं करवाया, मैंने उनको बोला बस लॉक सेट को नज़र दो। और सर्विसिंग इसको थी, उसमें ऑयल चेंज किया उन्होंने, और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी पूरे कंप्लीट कर ली उन्होंने। तो अभी बिल पे करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो 10 दिन के बाद अपनी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, अलग ही वाइब आ रही है। तो ये भी मेरे साथ है, कैसा लग रहा है? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वो मैंने घर पे ही रखे थे लास्ट टाइम, तो डॉक्यूमेंट्स घर पे ही है। अभी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। निकले, चलिए बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो घर में पहुंच गया। तो अभी मुझे जाना है नानियाल, मामा वही है, उसको वहां से रिसीव करना है। और दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से सुन रहा था मैं कि बर्फ होगी, बर्फ होगी। कहाँ हो रही है बर्फ, बाहर से तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। आपके एरिया में बर्फ हुई, कमेंट ज़रूर करना। तो जल्दी से पहले जाते हैं मम्मा को रिसीव करने। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहुँच गया नानियाल, और यहाँ पे हमें शौकत भाई मिले। शौकत भाई, दिल गए आम थे जुदा, शूज घूम होती थी उसका पर कना दोन था क्या दिल। लेकिन दोस्तों एक बात है, मतलब मुझे भी अब याद आ रही है वहाँ की, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तर कुन लागान जैकेट दोस नचान जैकेट मज ये पे कांग्रेस 10-20 तप नि शौकत सब तुम क्या शूज चोगंदर ना क्या रोगन जोश खे रिस्त गोश्ताब कबाब तो चलिए अभी मैं मामा को ढूंढता हूँ। खाल हुई थी नहीं शायद वो परवेज भाई के घर पे, और हमारे भाई अब दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं। माया टेंशन से गोवा वो, और इस साल इंशाल्लाह IPL में हम एक मैच देखने जरूर जाएंगे शौकत भाई और मैं, पक्का बिल्कुल। दोस्तों बाबू शौकत साहब ने पोस्ट तुझे मैन खतर क्या शी चोट आना चे सब यूता टूट वो क्या क्या अनुत दे। तो दोस्तों ये मेरे लिए रोटी ला रहे, और हमारे भाई भी यहाँ पे। कैसे हो भाई? बस इतनी अनका ना आप किया तब तो ना देखो लो मन चाहे छोड़ दे मिशन चाहे तो कैसे में ये सब मेहमान ना हुए जिस कर आज मैं तो कैसे एंडिंग दो ये मत बोल। दोस्तों ये देखे अच्छी गोना मीन सब्सक्राइबर आकर ने लिया। दोस्तों आप बताना कमेंट्स में आपको बुरा लगा कि अच्छा
लेदर लड्डू कैसे हाँ ये मेरे भी इमन से वना शायद मोती चोर के लड्डू ना इनको क्या बोलते हैं फिर बात लड्डू परवेज साहब कैत परवेज साहब कैत तो ये देखिए दोस्तों शौकत साहब मेरी खातिरदारी कर रहा है सिक्योज में ईसा खातिरदारी करा कबाब अना कौकर चलि मत ना कड़ तव मे ट्रीट दिवा तो दोस्तों ये देखिए बोल रहा है मैं आपको इसलिए ट्रीट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको चैनल से निकालना है। अच्छा शौकत साहब तुम ये बस्ट रिलेटेड क्या जोक वन मगर यू दूस तुम रियलिटी अच्छा सेकेंड इयर ओस पारा पोलटिकल रिपेयर बिल्कुल थोड़ा लड़के जान तो दोस्तों अभी मैं घर वापस पहुंच गया। आप लोग बोलोगे कि आपने तो बोला मुझे मामा को रिसीव करने जाना है, एक्चुअली वहाँ आशु भाई भी गया था तो फिर वो आशु भाई के साथ आई, मैं शौकत भाई के साथ था फिर। और अभी ये है मेरी गाड़ी में, एक्चुअली इसके मामा के फ़ोन को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे डिस्प्ले में कोई इशू आया है तो इसको हम ठीक कराने शॉल्टिंग जा रहे हैं, तो देखते हैं अगर ठीक हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक हुआ तो वो भी अच्छी बात है। निकले चलो चलो चलो। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया, अभी मैं आपको गाड़ी में बताऊंगा कि क्या मसला है फ़ोन को। तो अभी हम शॉल्टिंग चुकाए थे तो फ़ोन वाले के पास हम गए तो उसने प्रॉब्लम बताई इसकी। क्या प्रॉब्लम बताई उसने? ये टूटा है। टूटा नहीं, बोला इसका डिस्प्ले चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि जो ये इंक टाइप का ये ब्लैक है ये पूरे स्क्रीन में अब फैल जाएगा, तो इसको 3,000 या 3,500 लग जाएंगे। तो अभी घर में डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, फ़ोन ही भेजेंगे कि इसी को ठीक करेंगे, घर में डिसाइड करेंगे। ठीक है तो वन तो मैं कथ अख, अगर बहुत रिसीव करने आसो मातामाल प्यार सान तु कह मे वर चल बो दौन घंटन प्यार प्यार गाड़ हेत पे फोन दिन बामरजन कि आशु आम गाड़ हेत ना 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 बदल तम सार बहन अज के पे जान तो दोस्तों इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, बाय, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो जरूर करना। बाय।